इसमें क्या नाम है? मैंने कहा कि मैंने इसका आंसर बता दिया था तुम्हें, अमोनिया डेरिवेटिव्स कैसे ऐड होते हैं उसका मैकेनिज्म बता दिया था पूरा प्रॉपर, RCHO में मैंने कल तुम्हें जो बताया RCHO के अंदर NH2Z डाला, H2O बाहर, pH 4.526 रखा था, RCH डबल बॉन्ड NZ आता था इसमें आंसर, ठीक ना, RCH डबल बॉन्ड NZ आंसर आता था और pH 4.526 है इसमें। मैंने जो बताया था अगर हमने pH रखा 4.5 यानी एसिडिक मीडियम ज्यादा, एसिड मीडियम ज्यादा, तो इसमें मैंने स्टेप्स लिखे थे और इसमें फोर्थ स्टेप आया था RDS, और pH रखा मैंने अगर 6, अगर मैंने pH रखा 6 तो इस केस में pH 6 में क्या हो जाएगा, देखो इधर, अगर मैंने pH रखा 4.5 यानी H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो फिर वो NH2Z को NH3+Z बना देगा, NH3+Z बना देगा, और इससे क्या होगा, स्टेप कौन सा स्लो आएगा जब हम एनएच टू ठीक जेड को ऐड कर रहे हैं यानी सेकंड स्टेप, और अगर पीएच रखा मैंने 6 तो एच आयंस का कंसंट्रेशन लो, पहला स्टेप में फिर भी एच आयंस मिल जाएंगे, फोर्थ स्टेप में एच प्लस आयंस नहीं मिल पाएंगे तो वो स्टेप स्लो हो जाएगा। ये याद है ना कल मैं मैकेनिज्म करा चुका हूँ, है सर, तो ये मैं बता चुका तुम्हें, डिटेल पूरी हो चुकी है इसकी। अब तुम्हें क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, सपोज मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मैं ले रहा हूँ CH3CHO के साथ, ऐसे ही तुम एसीटोन के साथ कर सकते हो, CH3CHO है इसमें डाला मैंने CH3NH2, pH वही मान के रखना 4.526, लिख देना pH 4.526। अब इसमें पहला आंसर जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें फर्स्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइमरी अमीन है ये एनसीआरटी एल्डिहाइड कीटोन का ना, उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है, इसमें H2O बाहर निकल जाएगा, सही ना, इसमें ये H2O बाहर निकलेगा और आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NCH3, CH3 को Me मान लो, CH3 को Me मान लो, ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस, उसमें ये शिफ्ट बेस की प्रिपरेशन क्या है, तो एल्डिहाइड प्लस प्राइमरी अमीन एसिडिक मीडियम में शिफ्ट बेस देगा, एल्डिहाइड प्लस प्राइमरी अमीन एसिडिक मीडियम में शिफ्ट बेस देगा। तो इसी के साथ ऐसे ही सेकेंडरी अमीन अगर है, सेकेंडरी अमीन है तो बता सकता कोई आंसर क्या आएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में और नीट में दोनों जगह आ चुका है, मेंस में और नीट में दोनों जगह आ चुका है क्वेश्चन, ये सेकेंडरी अमीन है तो आंसर क्या आएगा, pH 4.526, एक बार तुम चेक करो मैकेनिज्म के थ्रू कि क्या आंसर आएगा, निकालो जरा। और ऐसे ही टर्शरी अमीन का भी सोचो एक बार, CH3CHO में टर्शरी अमीन डाल दिया, CH3CHO, फिर मैं आगे रिएक्शन दे रहा हूं तुम्हें, टर्शरी अमीन, तो इसमें आंसर क्या आएगा, प्राइमरी अमीन कोर्स में है, सेकेंडरी और टर्शरी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछे हुए।
निकाला किसी ने आंसर सेकेंडरी मीम का? सर बस एक मिनट, कारबीन मिलेगा। नहीं कर, देखो सर और किसी ने निकाला आंसर इसका? देखो सर आंसर। हाँ मैं बोल मैं आवाज नहीं आ रही तेरी। देखो सर एल्कीन, एल्कीन अमीन मिलेगा जी। आंसर आएगा इन अमीन। देखो वो इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये एन लोन पे देगा इसको, ये एन इसको लोन पे देगा तो ये आएगा सी एच थ्री सी एच ओ नेगेटिव, सी एच थ्री सी एच ओ नेगेटिव आ जाएगा और एन पे प्लस एच सी एच थ्री होल ट्वाइस और एच गया ऊपर सी एच थ्री सी एच ओ एच एन सी एच थ्री होल ट्वाइस। और अब एच कहां से निकलेगा? अब एच का वाटर निकला ना हमारा, फाइनली एच प्लस आया इसके पास। देखो एच प्लस आया ओ के पास तो सी एच थ्री सी एच ओ पे प्लस एच टू एन एम ई टू और अब एच निकलेगा यहां से, ये एच इलेक्ट्रॉन दे जाएगा ये एच टू बाहर, तो फाइनल आंसर जो है वो इन अमीन आएगा माइनस एच टू एच थ्री ओ प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एन एम ई टू। क्लियर हुआ कि नहीं? ये आएगा आया समझ के नहीं? यस सर। और टर्शरी में क्या हो पाएगा ऐसे? ये नीट का भी क्वेश्चन है झांकना चीज का, ये नीट के क्वेश्चन में आया हुआ है ये वाला, ये चीज ये स्टेप यूज हुआ पड़ा है। एक बार हैंडसेस करना है, सबको समझ आ गया कि नहीं? और टर्शरी अमीन में तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, एक बार हैंडसेस करना है, इसको समझ आ गया ये वाला स्टेप। तिशा मयंक कृष हिमांग निकिता लवनिका प्रियंका प्रिया छवि जिया नयंत नव्या कृष्णा गर्व भव्या नित्या आन्या नवीन सिद्धि चेतन आर्यमन। सिद्धि आंसर क्या नहीं था? ये चलो अभी तुम्हें क्लियर हो गया ना, इसको एक दो बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा इसके, लेकिन इसको एक बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और सी एच थ्री सी एच ओ में सी एच थ्री होता है डालेंगे तो नो रिएक्शन है ना, इसमें नो रिएक्शन आएगा। क्लियर? इसमें क्या आएगा? नो रिएक्शन। तो ये मैंने प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन के डायरेक्शन बता दिया है, इसके साथ ध्यान रखना आंसर आएगा इन अमीन, ठीक है? इसके साथ आंसर आएगा इन अमीन, ये याद रखना, ये बनाना है सिंपल तुम्हें। सिद्धि बोलो सी एस थ्री सी एच ओ एच एन सी एस थ्री होल ट्वाइस बना दिया पहले, उसके बाद एच टू यहां से बाहर निकाल देगा डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट के लिए बस ये आ गया। क्लियर हुआ डायरेक्टली कैसे करना है? Yes, और ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एन के लोन पे इधर ये बॉन्ड इधर, ये यूज भी ऐसी होगा आगे रिएक्शंस में जाकर। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ वो क्वेश्चन इसको ये ना स्टार मार्क कर देना इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना कम पूछे जाते हैं, कम मिलेंगे भी कम,
तो ये स्टार मार्क कर देना ताकि कभी आए तो तुम कर लो क्वेश्चन। अब तुम्हें क्वेश्चन जो करना है सी एस थ्री सी एच ओ में नाम जो रुकना, कल मैंने नाम तुम्हें बताया हुआ है, पी एच वही पी एच लिख देना तुम लोग 4.526 पी एच 4.526। आंसर क्या आएगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सी एस थ्री सी एच ओ एन एच टू एन एच टू हाइड्राजीन, और हाइड्रोजन के साथ एन एच टू एन एच थ्री प्लस आई माइनस की फॉर्म में भी आ सकता है, वो कल मैंने तुम्हें बताया था, दे आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, दीज हाइड्रोजीन्स और देयर डेरिवेटिव्स आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन, सो जनरली दे आर यूज दे आर स्टोर्ड इन द लैब एज देयर सॉल्ट्स विद एच आई। सेम चीज है पी एच 4.526, थर्ड फिनाइल हाइड्रोजीन सी एच थ्री सी एच ओ प्लस एन एच टू एन एच सी सी एच फाइव, एन एच टू एन एच सी सी एच फाइव को मैं पी एच लिख रहा हूँ, सेम चीज फोर्थ पी एच 4.526, फोर्थ यूज होता है क्योंकि इसमें कलर्ड प्रेसिपिट आता है, क्योंकि इसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट आता है। इसका आंसर क्या आएगा पीएच 4.526 है। फिफ्थ रिएक्शन सीएच थ्री सीएचओ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होना चाहिए सीएच, कार्बन कंपाउंड के साथ यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होना चाहिए, एनएच टू एनएच सीओ एनएच, एक मिनट, एनएच टू सी डबल बॉन्ड ओ एनएच एनएच टू पीएच 4.526 पीएच 4.526। चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एक बार एसिटाल्डिहाइड के साथ और एक बार एसीटोन के साथ ये रिएक्शन आने चाहिए, ध्यान से करना गलती ना हो कोई। गर्भ में दोनों ने कर लिए हैं, हो गया यस सर, और किसी ने किया है सिद्धि, देखो आंसर मैं दोबारा दोबारा बोलूंगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नाम जरूर करने के, क्रेश फ्रैंक का नहीं था, तीनों भी कर लिया, लवनिका छवि, चलो अब मतलब ये सबका सही होना चाहिए, गलती होना चाहिए। फर्स्ट का आंसर एच टू बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा इथेनॉल ऑक्साइम, रेड पीपीटी होता है ये याद रखना, सही ना, रेड पीपीटी होता है ये याद रखना, और इसमें अगर मैं पी टू फिर डाल दू ना, पी टू ओ फाइव के साथ हीट कर दो, P2O5
फॉस्फोरस पेंटोक्साइड का, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो वाटर बाहर निकल जाता है और आंसर इथेन नाइट्राइल आ जाता है, CH3Cl। ये याद रखेंगे, ये पूछा हो पेपर के अंदर इसलिए। हिमांग म्यूट कर लें। यस सर। हाँ ये कर लिए कि नहीं? CH3Cn आ जाएगा, CH3Cn नहीं ना, P2O5 याद रख लेना, ये अलग से मैं बता दी तुम्हें, यहाँ पे CH3Cn आ जाएगा। P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। रेड पीपीटी आता है इसका, इथेनल ऑक्साइम, नाम है रखना, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामीन, इसका नाम है इथेनल ऑक्साइम। हाइड्रोक्सिलामीन जब भी लेंगे तो प्रोडक्ट का नाम होगा ऑक्साइम। ये कर रखा ना तुमने कन्वर्जेंस में NH2, इसके साथ आंसर आएगा इथेनल हाइड्राजोन। कौन सी नेमेशन में यूज होता है वाला पार्ट? वोल्फ-किशनर रिडक्शन, वोल्फ-किशनर रिडक्शन उसके अंदर यूज हुआ था। CH3CHO में डाला हमने NH2NHPH, फिनाइल हाइड्राजीन, तो आंसर आएगा इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन NNHPH, इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। इसमें H2 बाहर निकल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें H2 बाहर निकल जाएगा, CH3CHO CH डबल बॉन्ड NNH, NO2 इथेनल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ये आंसर आ जाएगा इसका। 2,4 DNP रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं। यूज्ड टू टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स स्पेशली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि इसमें आता है ऑरेंज PPT, और अगर एल्डिहाइड कीटोन कंजुगेटेड है तो रेडिश ऑरेंज करके PPT आता है, रेडिश ऑरेंज PPT, तो इसको भूलना नहीं भी। नेक्स्ट नोट करना, लास्ट वाला सेमी कार्बाजाइड है, ये है सेमी कार्बाजाइड। तो इसमें H2 जो निकाल रहा है ना, इसमें जो गलती होती है, क्या पता अभी बच्चों ने की भी हो, H2 ये बार निकलेगा, ये H2 बाहर निकलेगा। रीजन तो मेरे को पता लग गया, जिसने मैकेनिक्स पढ़ रखा उसको रीजन समझ आ गया होगा, NH CONH2। कौन बताएगा सर रीजन 11 बच्चों में से? ये वाला H2 क्यों बाहर निकाला है इधर सर, क्यों लिया बाकी दोनों के? अच्छा बाकी सर, बाकी दोनों के डेजर्ट में इन्वॉल्व होते हैं उससे बाकी ये याद ना। हां ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NCERT का 12th क्लास की बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे व्हाई ओनली वन NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बाजाइड, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड, व्हाई ओनली वन NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बाजाइड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स, why only one NH2 group of semi-carbazide, that is only this one, is used in the formation of semi-carbazones. Reason क्या आएगा इसका? दोनों के lone pair, बाकी दोनों nitrogen के lone pair resonance में involved है CO group के साथ, इसलिए resonance दिखानी जरूर है। ये electron इधर गया और ये O electron ले गया, resonance दिखानी जरूर है इसके अंदर, इसलिए। और इसका नाम होगा ethanol semi-carbazone, इथेनल सेमी कार्बाजोन। इसका भी येलो PPT होता है वैसे, मेन तुम्हें ऑरेंज प्रेसिपिटेट का ध्यान रखना है, मेन ऑरेंज प्रेसिपिटेट का ध्यान रखना है, अदरवाइज तीनों का आंसर जो है, जैसे ऊपर रेड PPT था, रेड PPT फिर ऑरेंज फिर येलो, तो रॉय वर्ड से याद रखना सीक्वेंस में, ऐसी रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो, कई बार भूल जाते हैं तो इससे याद आ जाएगा, रेड ऑरेंज येलो, ये भूलना नहीं है इसमें। तो ये तीन तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अब रिएक्शन अमोनिया के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस सब का मैं मैनेज करा चुका हूँ, क्वेश्चन कराने मेरे को सिर्फ। जैसे अब रिएक्शन CH3CHO की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्या होगी, HCHO की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्या होगी, एसीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्या होगी, और बेंजल डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्या होगी। जिसने ये बताया उसको, उसने कन्वर्जेंस जो है बहुत ढंग से, इन चारों की रिएक्शन अमोनिया के साथ।
मैं हो गए चारों? यस सर। और किसने कर लिया? सिद्धि, गर्व, निकिता सर। हाँ बोल मैं पहले का आंसर छवि। सर पहले में इमीन मिलेगा। हाँ पहले में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है इसके अंदर, इमीन आंसर। इमीन। चारों में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं अमोनिया के साथ, याद रखना। चारों में डिफरेंट प्रोडक्ट है अमोनिया के साथ, इमीन आंसर आएगा इसके अंदर। इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इथेनॉल दोबारा आ जाएगा। इसमें अगर H2H+ डाल देंगे तो इथेनॉल दोबारा आ जाता है ना। यहाँ से क्लीवेज, यहाँ से क्लीवेज, दो बार OH आएगा कार्बन के ऊपर और NH3 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट का आंसर, नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा? CH2NH2। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ नीट के। हाँ यूरोट्रोपिन बिल्कुल सही आंसर है, जिसने कन्वर्जेंस किया उसको पता होगा। 6HCHO 4NH3। याद आ गया कि नहीं? ये CH2 whole 6 CH2 whole 6 N4 यूरोट्रोपिन, क्योंकि इसमें जो इमीन मिलेगा वो अनस्टेबल होता है। अगर तुम इसमें ये बना दोगे ना CH2 double bond NH, ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल वेरी रिएक्टिव, इसलिए इसको मत लेना। हाईली अनस्टेबल वेरी रिएक्टिव, इसलिए इसको नहीं लेना है। और आंसर ये आ जाएगा इसका CH2 whole 6 N4। स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, एन एन एन, छह मेंबर की रिंग, ये छह मेंबर की रिंग और बीच में एन CH2 whole N के साथ जोड़ देना, ये यूरोट्रोपिन। याद आ गया कि नहीं? ये इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक होता है ये CH2 whole 6 N4। और इसमें अगर मैं फ्यूमिंग HNO3 डाल दूं तो क्या बनता था, याद है किसी को? RDX, उसमें RD, हाँ RDX प्लस उससे ज्यादा एक्सप्लोजिव एक HMX, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ ये ध्यान पास कर, RDX प्लस HMX मिल जाएगा, RDX प्लस HMX, हर मेजेस्टीज एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट वाला केस। अच्छा ये 11th में से कोई सोच पाया था इस चीज को कि नहीं? देख गर्व तेरे को वैसे कन्वर्जेंस रटी हुई है, क्या ये सोच पाया था इस समय तू? ये सर मतलब मैंने मतलब कुछ और करा था, मतलब ये नहीं बनाया। हाँ मैं तो बात समझ गया। और तेरे को आता था कि नहीं? आता था। हाँ यही तो है गर्व, इसीलिए बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव जितना करेगा जल्दी, जो ऑब्जेक्टिव कर लेगा जल्दी से उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने तुम्हें बोल दिया ना, तुम किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव को 44 years IIT से और एक बुक हिमांशु पांडे कर लो, कि हिमांशु पांडे ज्यादा बेटर है, level 1 level 2 करके देखा उसको, वो ज्यादा बेटर है। तो तुम उसको उनको एज ए टेस्ट करना, अगर तुमने सिंपल क्वेश्चन किया आंसर किया पीछे से आंसर देखिए ए है बी है जो भी, फिर तुमने अपना वही नीट का, नीट वाले बच्चे 45% बनाएंगे और जो IIT वाले 30-30 का साइड बना के करेंगे, उसमें वो कितने करेक्ट हुए कितने रॉन्ग हुए उसको एनालाइज करो पूरा, दोबारा करो उसको। करेक्शन करने में ज्यादा टाइम करता है, टाइम लगता है, पेपर करने में कम टाइम लगता है। तुम्हें आता है तो फिर कम टाइम लगेगा करेक्शन में। चलो नेक्स्ट का आंसर, सिंडाइसिटोनमी। बस याद है ना, ये भी क्रोमोसोम में है कि नहीं? यस सर। सी पे OH और सी पे NH2, ये तो अनस्टेबल हो गई एक कारण पे, OH और NH2, OH और X, OH और OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो इसलिए दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, सही ना? दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिख देना H, डाइल्यूट अच्छे चलता है इसके अंदर, ये H2 बाहर और आंसर आ गया डाइएस्टोनॉमी। ध्यान आ गया कि नहीं? आ गया ध्यान कि नहीं? डाइएसिटोनमीन आंसर। इन सब के इमीन्स अनस्टेबल होते हैं। किस किस का सही था ये? निकिता का सही है, हिमांक का, सिद्धि का, कर सिंगल का। चलो लास्ट वाले का आंसर, हाइड्रोबेंजीन। तरीका बताना कैसे करना है, 3 moles बेंजीराइड के, 2 moles अमोनिया के, बताऊं कि याद है? C6H5CHO,
C6H5CHO, NH2H, NH2H, दो मोल्स अमोनिया, C6H5CHO, बस इसको जोड़ देना आप, ये एच टू भार, ये एच टू भार, ये एच टू भार, और आंसर आया C6H5CH। जिसने कन्वर्जेंस कर लिया ना उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये क्वेश्चन सब नीट पे पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं है ऐसे ही करा रहा हूँ मैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन आ जाएगा और फिर इसके बाद ये CH CCH5, यही है ना, ऐसे ही बनाया कि यस नहीं, तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका, सही ना, हाइड्रोबेंजामाइड, फिर हाइड्रोबेंजामाइड। किसी को पूछा तो नहीं कुछ इसमें, चलो तुम्हें फिर ये रिएक्शंस क्लियर है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं इसके। एक क्वेश्चन इसका बहुत बेटर वाला है, उसके लिए हाँ कर सकते हो, तुम ट्राई कर सकते हो उसको, चलो उसको ट्राई कर लो पहले, पहले इसको ट्राई कर लो, फिर देखते हैं आगे। CH3COCl, ध्यान रखना एक क्वेश्चन पहले, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स, ऑक्साइड, नो रीजन, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर, अमोनिया बेस होता एसिड डू नॉट फॉर्म, है ना, सो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हाँ एसिड, बढ़ गई। एसिड नहीं, देखो एसिड जो है इसके अंदर क्या कार्बन ग्रुप है, इसके अंदर कार्बन ग्रुप होता नहीं है, रेजोनेंस होगी ना इसके अंदर, रेजोनेंस हो गई तो कार्बन ग्रुप खत्म हो गया, रिड्यूस डबल बॉन्ड करेक्टर बाय रेजोनेंस, रिड्यूस डबल बॉन्ड करेक्टर बाय रेजोनेंस, समझ आया कि नहीं है, बिकॉज ऑफ रिड्यूस डबल बॉन्ड करेक्टर बाय रेजोनेंस, क्लियर है कि यस नहीं, सर, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय रेजोनेंस, रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय रेजोनेंस, कार्बन ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ऑक्साइम्स हाइड्रोजोन्स सेमी कार्बोजोन्स ये नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, ऑक्साइम्स हाइड्रोजोन्स सेमी कार्बोजोन्स ये नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना इस बात, सही है। चलो अब एक बार एक क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से, वो ट्राई करना है, या एक बार रीज्वाइन कर लेंगे फिर ट्राई करना है।